हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहती हूँ आपको अपने चैनल टेक्निकल प्रिया में। सो देखो फ्रेंड्स, अमेज़न की तरफ से बहुत सारे ऑफ़र आता है और हम सब लोग उसे लूट भी लेते हैं। तो अमेज़न ने फिर से हम लोगों के बारे में सोचा और रिचार्ज के कुछ ऑफ़र लाया है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, देखो यूट्यूब से मुझे कोई भी अर्निंग नहीं होती, फिर भी फ्रेंड्स आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आज मैं गिवअवे रखने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में गिवअवे क्या है, क्या कोई भी 5 फ्रेंड्स को 10 रुपीज़ करके पेटीएम में मिल जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है, आपको पहले वीडियो को एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट पे जाके आपको अपने पेटीएम नंबर कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद कोई भी 5 फ्रेंड को मैं 10 रुपीज़ करके पेटीएम में भेज दूँगी। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँगी, फिर देखो वीडियो को इन तक देखना, इन तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो फिर से एक लाइक कर देना। और फ्रेंड्स देखो, अगर आपको मेरी वीडियो देख कर कोई भी अर्निंग हो रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और देखो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो देख सकते हो बहुत सारे फ्रेंड्स पहले से ही ज्वाइन है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने सारे ऑफर आते हैं उसको मैंने पहले अपने टेलीग्राम पर डालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं है तो फटाफट जाओ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से ज्वाइन हो जाओ। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो फिर सिंपली आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके सर्च बॉक्स पर जाके @TechnicalPL लिख के सर्च कर दोगे तो आपके सामने मेरी चैनल आ जाएगा, फिर आप ज्वाइन हो जाना। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं ऑफर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो ऑफर है ना, इस ज़्यादा देर न्यू अकाउंट और जिस अकाउंट पे आपने इस मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की हो उस अकाउंट पे ऑफर शो कर रहा है। तो ऑफ़र क्या है, आप अगर पे अमेज़न अकाउंट ओपन करने के बाद रिचार्ज सेक्शन पे जाओगे तो आपको कुछ ऑफ़र शो कर जाएगा। क्या ऑफ़र यही है कि आप अगर आपने जियो में 149 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे तो आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अगर 333 रुपीज़ रिचार्ज करोगे तो आपको 33 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। अगर आप 222 रुपीज़ रिचार्ज करोगे तो आपको 22 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 444 रुपीज़ रिचार्ज करोगे तो आपको 44 रुपीज़ का तो कैशबैक मिल ही जाएगा, ऊपर से आपको 100 रुपीज़ शॉपिंग वाउचर भी मिल जाएगा। तो आप सोच भी सकते हो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे प्रॉफिट होने वाला है। और इससे भी ज़्यादा आपको रिचार्ज चाहिए तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप कोई भी नंबर से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना अमेज़न का। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब भी रिचार्ज सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऑफ़र शो करेगा 100% कैशबैक अप टू 40 रुपीज़ का, ठीक है ना फ्रेंड्स। पहले आप देख लेना। और देखो फ्रेंड्स, जितने सारे ऑफ़र के बारे में आपको बता रही हूँ रिचार्ज की, अगर ये आपके फ़ोन पे रिचार्ज ऑफ़र पे शो कर रही है तब जाकर आप इसे यूज़ करना। और ये जो जियो का सारा रिचार्ज का ऑफ़र है ना, ये आपकी इस मंथ की फर्स्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो फिर चलो ट्रिक्स को मैं बता देती हूँ। तो फिर देखो, जो 40 रुपीज़ कैशबैक का मैं बोल रही थी वो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू अकाउंट से क्रिएट कर लेना, रिचार्ज सेक्शन पे जाना, जाके आपको एक ऑफ़र शो कर जाएगा 100% कैशबैक अप टू 40 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, आप अपने जियो नंबर पे तो 40 रुपीज़ रिचार्ज नहीं होते, 50 रुपीज़ रिचार्ज करना और उसका पेमेंट आप कोई भी एक UPI से कर देना, UPI से या क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड से कर देना। करने के बाद फ्रेंड्स आपको इंस्टेंट 40 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। आप उस 40 रुपीज़ को भी अब यूज़ कर लेना, उसको भी आप अपने फ़ोन पर रिचार्ज कर लेना। फिर आपको क्या करना है, देखो आपको अपने जिस नंबर से इस अकाउंट के क्रिएट किए हो उस नंबर को आपको इस अकाउंट से हटाना है। और हटाने से आपको क्या होगा, आप इसी नंबर से फिर से नए अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट में ऊपर 3-डॉट लाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, योर अकाउंट पर जब भी जाओगे, योर अकाउंट पर जाने के बाद आपको लॉगिन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपका नंबर शो हो जाएगा। पास में एडिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट पे जाना, एडिट पे जाके वहाँ पर आप न्यू नंबर ऐड कर लेना। न्यू नंबर ऐड करने के बाद आपको अमेज़न पासवर्ड देना है। अमेज़न पासवर्ड देने के बाद फ्रेंड्स आप उसे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप फिर से वही नंबर से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, फिर से वही ऑफर शो करेगा, फिर से रिचार्ज कर लेना, फिर से एडिट कर लेना। ऐसे करके करके देखो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे रिचार्ज हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो है रिचार्ज की, आप मर्चेंट की बात करते हैं। फिर देखो, जितने सारा मर्चेंट है आपको पता ही होगा कि हर मर्चेंट पे एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपने अगर मर्चेंट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हो तो कोई भी एजेंट से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको हर दिन प्रॉफिट होने वाला है। जैसे देखो फ्रेंड्स, आपको गूगल पे के बारे में बताती हूँ। आप जब भी मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर लोगे, क्रिएट करने के बाद आपके मर्चेंट QR कोड से 100 रुपीज़ एक्सेप्ट करोगे, आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। फिर हर दिन 11 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आप अगर पहला ट्रांजेक्शन 50 रुपीज़ एक्सेप्ट करोगे। फिर वीकली रिवार्ड तो आप
जानते ही होंगे कि आप अगर 15 ट्रांजेक्शन करोगे एक वीक में तो आपको 50 से लेकर 5001 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अब देखो मैं मानती हूँ कि आपको 1000 रुपीज़ 2000 3000 नहीं मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको 50 रुपीज़ तो मिलेगा। तो घर में बैठ के आप सोच सकते हो कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। अब देखो ये तो है गूगल पे की, अब आते हैं अमेज़ोन की। अमेज़ोन की एक ऑफ़र चल रहा है मर्चेंट की कि आप अगर हर दिन 4 पेमेंट एक्सेप्ट करोगे अमेज़ोन क्यू आर कोड के थ्रू तो फ्रेंड्स आपको 28 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो बहुत सारे लोग फ़ोनपे से एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि फ़ोनपे के अमेज़ोन के क्यू आर कोड आप स्कैन करके मत भेजो। आप अगर अमेज़ोन से ही अमेज़ोन क्यू आर कोड स्कैन करके आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा 28 रुपीज़ का, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स फ़ोनपे की एक मर्चेंट ऑफ़र चल रही है, लेकिन ये ऑल यूज़र के लिए नहीं है, सिलेक्टेड यूज़र। तो ऑफ़र क्या है कि आप अगर फ़ोनपे मर्चेंट क्यूआर कोड से आप अगर 8 ट्रांजेक्शन करोगे तो फ्रेंड्स आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो आप मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, आपको महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, हर दिन। और देखो फ्रेंड्स आप एयरटेल मर्चेंट ने भी एक ऑफ़र लाया है जिसमें फ्रेंड्स आप अगर हर दिन 5 ट्रांजेक्शन करोगे एयरटेल UPI के थ्रू तो आपको फ्रेंड्स वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मिनिमम 30 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स देखो आप सोच भी नहीं सकते, आपके एयरटेल UPI पे 20 रुपीज़, आपके अमेज़ॉन पे 28 रुपीज़, आपको गूगल पे में 11 रुपीज़। तो आप सोचो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप कोई भी एजेंट से कॉन्टैक्ट कर लो मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो मुझे पता नहीं ऑफ़र अच्छा है या नहीं, लेकिन मेरे पास जितने सारे ऑफ़र थी मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, इसलिए मैं इन्फॉर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मैंने जितने सारे ऑफ़र के बारे में मैं आपको बताई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसको कौन ऑफ़र शो कर रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको कौन ऑफ़र शो कर रही है, कितनी फ्रेंड्स को मुझे ये ऑफ़र शो कर रही है। तो फिर देखो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक।